अगर किसान भाई को जीरो टिलेज मशीन से बीज की गहराई को अगर बढ़ाना और घटाना हो, जैसे हम गेहूं में 3 से 4 सेंटीमीटर हम गेहूं की का जो है डेप्थ है उसको हम मेजर करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 3 से 4 सेंटीमीटर इतना होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सीड ड्रिल को जमीन पर रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक स्केल डालेंगे। अगर ज़मीन से 3.5 सेंटीमीटर अगर ऊंचा हो तो खेत में 3.5 सेंटीमीटर अगर यहाँ बता रहा है कि हमारा ज़मीन से ऊंचा है तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक बीज का गहराई देगा, क्योंकि हमारा खेत गीला होने के चलते कहीं दब सकता है, इसीलिए या खेत ऊबर खाबर हो तो 3.5 से 4 हमारा मेंटेन करेगा। अगर 3 से 3.5 रखना है तो हमारा ये जो डेप्थ कंट्रोल व्हील है उसको हम 3 सेंटीमीटर पर रखेंगे। यहाँ पर भी ग्रीस करने के लिए हमारा दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ की हम इस ग्रीस गन के सहारे हम यहाँ पर ग्रीस गन से हम यहाँ पर ग्रीस इस ढंग से दे सकते हैं। तो इसमें हम ग्रीस यहाँ पर गन से अगर देंगे तो हमको बहुत सहूलियत होगा। इसमें 2 ट्रांसपोर्टेशन व्हील, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन व्हील्स भी कहते हैं और डेप्थ कंट्रोल व्हील भी कहते हैं, जिसमें कि हम बीज का डेप्थ कंट्रोल कहते हैं। अब खाद का नीचे से इसका स्लाइडिंग होता है मेटिंग मैकेनिज्म में, तो खाद के स्लाइडिंग के लिए ये बहुत जल्दी जाम होने का संभावना होता है, क्योंकि इसमें केमिकल यूज होता है। केमिकल यूज होने से ये जाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो किरोसिन या पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करके हम पहले जंग को या फिर जो खाद का जो जमा हुआ चीज़ है उसको हम छुड़ाएंगे, उसके बाद हम इसमें वाइलकेन से वाइल दे करके हम इसको फ्री रखेंगे। फ्री रखने के बाद हमारा देखिए कि ये ओपनिंग पोजीशन यहाँ पर अपने आप इस हैंडल से बढ़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि इधर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अगर हमको खाद को अगर 5 पर ले जाना है तो हम 5 पर इस ढंग से हम इसको सेटिंग दे देंगे। अगर हमको 1 हेक्टर 150 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर हमको खाद डालना है तो हमको इसी से हमको सेटअप देंगे। हाँ, जैसे हम इस ढंग से बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर देना है, जैसे अभी 8 पर देखिए चला गया है, तो इस ढंग से हम इसमें हम 150, अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र जो है दानेदार फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए, जैसे NPK, DAP, इसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए। अगर आप मिलाते हैं तो चौक होने का संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो अगर आपको कोई भी खाद अगर उस टाइप का दूसरा जैसे पोटास होता है इस सब देना है तो बुआई करने के बाद दिया जा सकता है, क्योंकि बुआई करने के बाद अगर आप देते हैं तो छिद्र खुला रहने के चलते उसमें फर्टिलाइज़र ठीक ढंग से चला जाएगा। तो आप इसको जो है बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें NPK और DAP का प्रयोग करें और मशीन को प्रयोग करने के बाद उचित ढंग से उसका धुलाई करें। धुलाई करने के बाद वाइल और ग्रीसिंग करके इसको छत के नीचे कहीं पर रख दें और इस ढंग से ईंट के सहारे अगर इस ड्राइव व्हील को अगर उठा देते हैं तो कभी भी हम 1-2 महीना के बीच अगर इस मशीन के पास आते हैं तो पैर से भी इस ढंग से घुमा देते हैं तो मेरा पूरा सिस्टम चल रहा है, यानी हमको पता चल रहा है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है। तब अगले साल जब बुआई करने के लिए इस मशीन को निकालेंगे तो ये मशीन ठीक ढंग से काम करेगा। अब अगर ईंट के सहारे इसको नहीं रख करके ज़मीन में रखते तो आपको लगता कि हम इसको उठाएंगे फिर घुमाएंगे, इससे बढ़िया है कि इसको ईंट के सहारे रख दीजिए और इस ढंग से घुमाइए, तो ये मेरा सिस्टम पूरा चल रहा है। तो ये है जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, जिसमें बिना जुताई किए हुए हम बीज की बुआई करते हैं। यांत्रिक रन में यही होता है कि खेती में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करना और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेना। तो जुताई में भी हम इसमें पैसा बचता है और उत्पादन भी अगर समय पर करते हैं 12 से 15 दिन पहले तो हमको ज़्यादा उत्पादन मिलता है, इससे हमको उत्पादन बढ़ता है, तब किसानों को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज़्यादा होता है।